वेलकम टू सुपर फास्ट इंग्लिश एकेडमी दोस्तों, आप देख रहे हैं राम सर की वीडियोस। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको जीके का पार्ट यहाँ पर पोर्शन लेके आया हूँ। कुछ यहाँ पर साइंस के भी क्वेश्चन होंगे क्योंकि आपका एचएसएससी हरियाणा एसएससी आने वाला है, उसके साथ ही साथ एसएससी जीडी आने वाला है। तो देखिए ये जो एग्जाम्स आने वाले हैं आपके, उसको देखते हुए मैं यहाँ पर कुछ आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन को सिलेक्ट कर रहा हूँ और उनको ना परमानेंटली अब याद कर लेना, क्योंकि बहुत सारी किताबें ना इधर उधर से पढ़ना पड़ता है, उसके बाद फिर आपको सिलेक्ट करके देता हूँ। मुझे लगता है कि हाँ यार ये बच्चों को बताना चाहिए, तो फिर मैं उसे नोट कर लेता हूँ और आपको फिर मैं वीडियो के माध्यम से बताता हूँ। इनको आप नोट कर लो, अगर नोट भी ना करें तो इनको अच्छी तरह से आप याद कर लीजिए, ठीक है। और देखिए अगर हम बात करें करंट अफेयर, तो करंट अफेयर नरेश सर चला रहे हैं, वो दूसरा चैनल है उनका राम सर इंग्लिश अकेडमी। मेरे चैनल में चले जाइए या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, यदि आप नए हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। वो दूसरे सर का है और वहां पर वो करंट अफेयर पढ़ाते हैं, बेस्ट टीचर हैं वो, आप देख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, और देखिए यहाँ पर है कि, और मैं हाँ बता दूँ, वो जो है अब नरेश सर पढ़ा रहे हैं, पहले वो चैनल मेरा ही था। अब वहाँ पर आप जाकर के करंट अफेयर को नोट कर लीजिएगा, मुश्किल से 2 या 3 मिनट का वो वीडियो देते हैं, लेकिन वो बेस्ट, जितने भी क्वेश्चंस वो कराते हैं वो बेस्ट होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं, देखिए भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान सबसे पहले किसने लगाया, तो इनको आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा, बहुत ज़रूरी है। देखिए सबसे पहले भारत के अंदर जो राष्ट्रीय आय है उसका जो अनुमान लगाया वो थे दादा भाई नेहरू जी, ठीक है। ऐसे याद कर लो, अगर भारत में जो यू नो जितनी भी आय है, तो बड़ा आदमी, बड़ा आदमी कौन होता है, दादा। हमारे घर में दादा है तो होते हैं सबसे बड़े, तो ऐसे करके याद कर लो। और जो वो आय का अनुमान लगाया था वो 1876 के अंदर ये लगाया था, जो कि यू नो 20 PCY आया था, ठीक है। अगर हम बात करें, देखो चितरंजन रेलवे इंजन कारखाना की स्थापना किस कौन सी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुई। अब देखिए यहाँ पर पंचवर्षीय योजना के बारे में पूछा हुआ है, तो देखो ये जो चितरंजन रेल इंजन का जो कारखाना था वो फर्स्ट यानी पहली पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ये जो रेल इंजन का कारखाना स्थापित किया गया था, और ये असमसोल के अंदर है। असमसोल कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल के अंदर। अब हम बात कर लेते हैं, देखो नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है, तो ये आपको याद रखना है, नगर निगम का जो अध्यक्ष होता है वो होता है मेयर। ये क्वेश्चन पूछा गया इसलिए मैंने यहाँ पर नोट किया है। अब हम बात करते हैं, देखो लैंग्वेज इन द 8th शेड्यूल, यानी कि अगर हम बात करें 8वीं अनुसूची के अंदर जो यू नो नेशनल लैंग्वेजेस वो कितनी है, 22 लैंग्वेजेस हैं। यहाँ पर मैंने कुछ जो मुझे अच्छी अच्छी लगी, यानी ये आने की चांस हैं, तो वो मैंने लिखा, डोगरी जो भाषा है वो जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में डोगरी लैंग्वेज बोली जाती है। संताली की बात करें तो वो छत्तीसगढ़ और झारखंड में बोली जाती है। अगर हम वो मैथिली की बात करें तो वो बिहार में बोली जाती है। देखो अपना अपना तरीका होता है मेरे दोस्त याद करने का, आप चाहें तो जैसा आप याद कर लीजिएगा। देखो मैं एक्चुअली में क्या है, बिहार को बहुत पसंद करता हूँ, रहता यूपी में लेकिन बिहार को बहुत पसंद करता हूँ। तो मतलब मैंने ऐसे याद किया कि मैं किसे पसंद करता हूँ, तो मतलब बिहार को, तो हल्का हल्का मतलब कैसे भी आप उसे याद कर लो। अगर हम बात करें बूडो, इसको याद कैसे किया था, मतलब ये लिख रहा है असम, क्या लिख रहा है, और मैंने लिखा है इसे आसाम। अब आसाम लिखा ये क्या हुआ, आस, और मुझे पता है यार जो बूढ़े यानी बुजुर्ग लोग होते हैं वो आस लगाए बैठे होते हैं कि हमारी कोई मदद करे और टाइम पर हमें कोई अगर जरूरत है दवाओं की तो दवा दे दे, तो बूढ़े लोग होते हैं वो अस लगा के बैठे रहते, तो ऐसे करके याद कर लो। और जो कोंकणी होती है वो महाराष्ट्र गोवा क्षेत्र में उधर साइड बोली जाती है। अब देखो नेक्स्ट मैंने फिजिक्स का यहाँ पर जो है ले लिया है, बायोलॉजी, जीवन का भौतिक आधार क्या होता है, तो जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो जीवन का भौतिक आधार यानी जीव द्रव्य माना जाता है। जंतु विज्ञान का जनक कौन है, तो वो अरस्तु है जंतु विज्ञान का। देखो मैंने यहाँ पर इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, आप ऐसे याद रख लो, BZ बराबर अरस्तु मतलब ए, ठीक है, मतलब बायोलॉजी और जूलॉजी ये ज्यादातर ये पूछे जाते हैं, बायोलॉजी और जूलॉजी ये किसने है, ए मतलब अरस्तु, इन्होंने इसका जो है जनक माना जाता है, ठीक है। और फादर ऑफ एम्ब्रॉयोलॉजी ये भी अरस्तु है। ये पर देखो ये थोड़ा सा मुझे इंपॉर्टेंट लगा तो मैंने साइंस में से ले लिया, फादर ऑफ बॉटनी, अच्छा बॉटनी एक साइंस होती है, ठीक है, फिजिकल से रिलेटेड होती है वो, तो बॉटनी ऑफ, जो फादर ऑफ बॉटनी किसे बोलते हैं, थियोफ्रास्टस। ये आपको परमानेंटली याद करना ही करना है। अब हम बात कर लेते हैं यहां पर, इनको आप याद रखो कि इंसुलिन, जो इंसुलिन होता है ना उसका जो रिसाव होता है वो बीटा कोष का के अंदर होता है, बीटा कोष का से ही इंसुलिन का रिसाव होता है, और जो अल्फा कोशिका होती है वो होता है ग्लाइकोजन, ये आप याद कर लीजिए। तो जो ग्लाइकोजन है वो यू नो अल्फा, और अगर हम बात करें इंसुलिन तो ये हो जाएगा बीटा कोशिका। अब नेक्स्ट है, देखो ये एमपी जेल प्रेरी में क्वेश्चन आया था, मैंने भी इसका आंसर की देखा, उसमें पूछा था मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे बोलते हैं, तो वो था मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड।
और देखिए हाँ, इसका आप मुझे फॉर्मूला भी बता सकते हैं कमेंट में कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक समीकरण यानी फॉर्मूला क्या होता है, तो जरूर बता दीजिए, मुझे बिल्कुल भी कंफर्म नहीं हो रहा है इसलिए आप मुझे जरूर बताएं। अब देखो सोडियम बाई कार्बोनेट को क्या बोलते हैं, जो मेन मेन है कसम से उनको ही लिखा है, बाकी अलग से यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा है, इन्हें आप जरूर याद करें। देखो बैंकिंग सोडा, बैंकिंग मतलब ऐसा लग रहा था, अब कैसे भी याद कर लो, मतलब सोडियम बाई कार्बोनेट मतलब बैंकिंग सोडा हो जाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करें, हाइड्रोक्साइड की, तो वो कास्टिक सोडा को हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, ठीक है ना। अब यहां पर ऐसे याद रख लो, हाइड्रो मतलब हीरो होंडा की बात करें, हीरो होंडा बाइक मतलब कॉस्टली होती है, तो वो कास्टिक सोडा हो जाएगा, ऐसे याद कर लो, जैसा आप चाहें वैसे, लेकिन याद होना चाहिए। आगे देखो हम बात करते हैं, कौन सा एक्ट है जिसके अंदर इंडिया को भारत भी कहा गया है, यानी कौन से एक्ट के अंदर, अनुच्छेद के अंदर इंडिया को भारत कहा गया। तो देखिए भारत का जो नाम और भारत के क्षेत्रफल के बारे में जो बताया था वो पहले यानी कि आर्टिकल अनुच्छेद फर्स्ट में बताया था, और जो अनुच्छेद सेकंड है उसके अंदर जो नए राज्यों का प्रवेश है, नए राज्यों का पुनर्गठन हुआ था, वो अनुच्छेद दूसरे के अंदर है। सबसे पहले भारत का नाम, उसके बाद फिर राज्यों का जो भी प्रवेश या फिर उनके बारे में बताया गया था, तो अनुच्छेद सेकंड में राज्यों की बात की गई है। आगे देखिए ये याद करना आपको, द लॉयल मॉमडंस ऑफ इंडिया, द लॉयल मॉमडंस ऑफ इंडिया समाचार पत्र किसने स्टार्ट किया था, तो ये काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो ये सैयद अहमद खान ने स्टार्ट किया था, ठीक है। सैयद अहमद खान, यदि आपको पता है ये कौन है, डीपली आप जानते हैं तो वो आप जरूर बताएं। इनका कंटेस्ट नहीं मुझे याद नहीं, लेकिन मुझे ये जरूर पता है कि जब भारत का विभाजन हुआ था तो जिन्होंने उनका नाम क्या है, इन्होंने मांग रखी थी मतलब पाकिस्तान और हिंदुस्तान को अलग रखने का, तो जो मांग रखी, हाँ उनका नाम जिन्ना है, ठीक है। तो जिन्ना जी जो थे उनको समझाने, यानी सबसे पहले अहमद खान ही थे जिन्होंने ये जिन्ना को बताया था कि आपको यानी भारत और पाकिस्तान में बंटवारा करना चाहिए, हर तरह से मतलब जो समझाने का, कन्विंस करने का जो काम किया था वो अहमद खान ने किया था। तो अहमद खान ने द लॉयल मॉमडंस ऑफ इंडिया समाचार पत्र भी इन्होंने ही स्टार्ट किया था। अब आपको ये याद रखना है कि बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था, चंपारण यानी कि जो गांधी जी थे 1917 में हुआ था, और जलियांवाला बाग हत्याकांड ये जो हुआ था वो कौन सी डेट में हुआ था वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसके बाद देखो कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है, तो हाँ ये सबसे अच्छी बात है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसके अंदर जो नगर यानी जो घर घर बनाए गए थे, जो गलियां बनाई गई थी, और जो भी नहाने के बाद टाप थे वो सबका यानी अच्छे तरीके से, एक तरह से अच्छी तरह से स्ट्रक्चर बनाया गया था उनका, काफी बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी गलियां बनाई थी। तो अगर हम बात करें नया नगर नियोजन की, बहुत अच्छी तरह से जो एक तरह से कंस्ट्रक्शन किया गया था तो वो सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर ही किया गया था, ठीक है। अब हम बात करते हैं कौन सा ग्रह, किस ग्रह का घूर्णन अक्ष सबसे ज्यादा यानी ज्यादा झुका होता है। अब आपको मैं बता दूं, जैसे हमारा पृथ्वी होता है वो ऑल अप्रोक्स 23 डिग्री पर जो है झुका रहता है, सबसे ज्यादा जो टिल्ट होता है वो होता है अरुण यानी यूरेनस, 98 देख सकते हैं, 90 मतलब पूरा पूरा 90 से भी ज्यादा चला गया, सोच सकते हैं पूरा का पूरा रोटेट हो गया, टिल्ट हो गया, तो 98 पर। लेकिन एक क्वेश्चन और है कि सबसे कम घूर्णन अक्ष यानी जो टिल्ट एंगल होता है वो सबसे ज्यादा कम किसका होता है, तो वो मरकरी का होता है जो कि यानी 1 डिग्री होता है बस, तो ये आपको याद रखना है यानी 0.01 डिग्री। आगे देखो वॉशिंगटन डीसी के निकट कौन सी नदी है, तो ये पूछ लिया गया क्वेश्चन है, पोटोमैक, पोटोमैक नदी। देखो अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं मेरे दोस्त, आपको इंडिया का जीके से काम नहीं चलेगा, आपको बाहर की भी याद रखनी है, जैसे महाद्वीप हो गया, यूरोप मतलब, और हम बात करें कैपिटल्स जितनी हुए उन सबको याद करो, क्योंकि हाँ एक और बात देखो, एसएससी जीडी का जो जीके आता है वो ज्यादा डीपली नहीं आता, वो ऊपर ऊपर का ही पूछा जाता है, ठीक है। और एक और देखो आज आपको ये याद रख लेना है, जैसे नोकिया कंपनी कहाँ की है, फिर हम बात करें बीएम जो भी नई नई कंपनियां होती हैं वो कौन से देश की हैं, अब मैं बात करूं सैमसंग कहाँ की है, नोकिया कहाँ की है, माइक्रोमैक्स कहाँ की है, तो ये सारी जितनी भी कंपनीज है, सैमसंग एप्पल, उन सबको आप याद रखो वो कहाँ कहाँ की कंपनी है, वैसे मैं आपको बता दूंगा। तो ओवरऑल दोस्तों, और याद रखो डीसी का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, ठीक है। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन थे जो मैंने आपको बता दिए। तो ओवरऑल अगर हम जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो देखो काफी टाइम के बाद तो ये वैकेंसी निकलती है, उसके बावजूद भी हम अगर किसी कारणवश उसको अगर हम नहीं क्रैक कर पाते तो ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी होगी। देखिए मैं यहाँ पर आपको इंग्लिश भी समझा रहा हूँ तो वो जीडी के लिए भी सफिशियंट रहेगा, काफी डीपली, अब तो मैं काफी डीपली बता रहा हूँ। इसके साथ देखो इंग्लिश वहां से आप तैयारी हो जाएगी, अलग से तैयारी नहीं करना आपको, जितने भी मैंने एयरफोर्स नेवी और अभी जो पढ़ा रहा हूँ उनको आप फॉलो करते रहेगा,
अगर हम बात करते हैं तो, अगर हम बात करें जीके का, तो जीके डीप नहीं आता। मैथ, देखो मैथ का बस एक ही कॉन्सेप्ट है कि उसका जो बेसिक है उसको आप बड़े अच्छे तरीके से समझ लेना, क्योंकि अगर आप बेसिक नहीं समझेंगे और ऊपर ऊपर का बस यू नो क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए और चले गए तो आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं। तो ओवरऑल जीके मैं यहाँ पर करवा दूंगा, जो भी मुझे इंपॉर्टेंट लगता है वही आएगा, और इंग्लिश तो जो चल ही रही है। रियली आप सभी के जितना मदद और प्यार सपोर्ट किया सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं आपको ये सीरीज कैसी लगी, आगे आप इस सीरीज को कंटिन्यू करना चाहेंगे या फिर आज ही इसे बंद कर देनी चाहिए। थैंक यू सो मच।